टर्न आने वाले हैं, तपिश और डिम्पी भारत लौटने से पहले अमेरिका में एक दूसरे से मिलते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि वे भारत में फिर से मिलकर एक साथ खुश रहेंगे। डिम्पी इतनी एक्साइटेड है कि वो तपिश, अंश और बाकी परिवार के मेंबर्स के साथ खुशी से रहना चाहती है, जहाँ वो केवल खुशियाँ ही खुशियाँ देखना चाहती है। जाने से पहले वनराज इविल फेस दिखाता है, जिसे सिर्फ अनुपमा ही देख पाती है। इस तरह अनुपमा डिम्पी और तपिश के पास जाती है और उन्हें वार्निंग देती है कि वो अपनी शादी के फैसले पर अड़े रहें और किसी भी हालत में बदलाव ना करें। डिम्पी अनुपमा द्वारा दी गई वार्निंग को समझ नहीं पाती, क्योंकि वो हर समय वनराज के दोहरे बिहेवियर से अनजान रहती है। क्या इस बार वनराज तपिश और डिम्पी को धोखा दे पाएगा, या फिर तपिश और डिम्पी इस बार भारत में वनराज को मात दे पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए।